हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बताने वाले हैं रॉमिल के बियर पार्ट के बारे में, कितने बियर पार्ट कंपोनेंट यूज होते हैं इनसाइड रॉमिल में। इसके पहले रॉमिल का वीडियो आप देखिए, उसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या क्या होता है, वो कैसे एक्ट करता है, इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन साथ में हमारा एक वीडियो बना हुआ है जो कि लिंक में दिया हुआ है, उसको आप जरूर देखिएगा। तो आज इमीडिएट हम बात करेंगे जो कि इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं कि प्रोसेस से रिलेटेड हैं, तो वो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर आप प्रोसेस से हैं तो सिंपल सी बात है, आपको ड्राफ्ट के बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। जो सेपरेटर लगे रहते हैं वीआरएम में, उसकी इफिशियंसी निकालना आपको आना चाहिए, उसके लिए भी हम सेपरेट में वीडियो बनाएंगे। क्या क्या चीज मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है सेपरेटर का, और इनसाइड वर्टिकल रोलर मिल का मैकेनिकल इंजीनियर को उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में उसको हर एक पार्ट के बारे में आना चाहिए कि उसमें कौन सा ऑयल यूज होता है रोलर में, अगर वो ग्रीस बेस है तो कौन सा ग्रीस यूज होता है, रोलर का डाया कितना होता है, रोलर का विड्थ कितना होता है, टेबल का डाया कितना होता है, ये सब आपको आना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, कितना वाटर क्वांटिटी यूज होता है बेड पे, स्प्रे कितना वाटर क्वांटिटी यूज किया जाता है। हम इसके बारे में डिटेल में नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि हर एक मिल का अपना अपना अलग कैपेसिटी का होता है। रॉमिल एप्लीकेशन है, क्लिंकर एप्लीकेशन के लिए फाइफर का है, ग्लोशे का है कि थायसन ग्रुप का है, इन सभी का अपना अपना अलग डायमेंशन होते हैं। तो आपको रोलर डाया पता होना चाहिए, आपको रोलर के विड्थ पता होना चाहिए, जो आपका रोलर यूज हो रहा है वो ऑयल लुब्रिकेटेड है, ग्रीस लुब्रिकेटेड है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन सा बेयरिंग यूज हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी हासिल होनी चाहिए, जो टेबल है, टेबल के नीचे जो गियर बॉक्स लगा हुआ है, प्लेनेटरी टाइप का गियर बॉक्स पूछा जाता है, कौन सा गियर बॉक्स है, वो प्लेनेटरी टाइप का गियर बॉक्स है, उसका रिडक्शन रेशियो क्या है, जो गियर बॉक्स है उसका स्पीड क्या है, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, वो किस मेक का बना हुआ है, और कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है कि हाइड्रोडायनेमिक है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रिंसिपल्स पे काम करता है, जो इनसाइड में लाइनर होता है, जो टेबल है वो लाइनर व्हाइट मेटल वेपटिंग का बना होता है, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, कितना प्रेशर डेवलप किया जाता है और कितना गैप मेंटेन रहता है टेबल और आयल, आयल फिल्म थिकनेस कितना होता है, तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आज हम सबसे ज्यादा कवर करेंगे कि जो भी वियर कंपोनेंट हैं, जो वियर लाइनर लगे हुए हैं, उस कौन कौन सा होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे ही अगर पर्टिकुलर रोलर मिल में आप देखेंगे आउटलेट, लाइमस्टोन एप्लीकेशन के लिए तो नहीं, अगर क्लिंकर एप्लीकेशन के लिए वर्टिकल रोलर मिल का यूज हो रहा है, तो जो वर्टिकल रोलर मिल का आउटलेट डक्ट है वो कनेक्ट रहता है बैग हाउस से, तो जितना भी मटेरियल सेपरेटर के साथ, डायनेमिक सेपरेटर के साथ उड़ के वो जाता है बैग हाउस में, वो फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो वहां क्या है कि जो क्लिंकर है थोड़ा एब्रेसिव नेचर का होता है, तो जो डक्ट है, तो डक्ट के इनसाइड में देखेंगे डेंसिट मटेरियल का यूज होता है, सेरेमिक मोर्टार, जैसे ही जस्ट जैसे घर का प्लास्टरिंग करते हैं वैसे ही करते हैं, लेकिन इनसाइड में क्या है कि डेंसिट मटेरियल यूज होता है, छोटे छोटे आप देखेंगे कि आयरन के पीसेस छोटे छोटे रहते हैं, तो वो क्या है कि थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, जो मोटार के थ्रू एक लेयर डेवलप कर दी तो हार्ड हो जाता है, तो वो क्या है कि जो डक्ट का इनसाइड प्लेट है एमएस, वो डैमेज नहीं होने पाता है। अगर वो मान लीजिए कि डैमेज हो गया और ऊपर से लगा रहता है इंसुलेशन, क्लैडिंग इंसुलेशन लगा रहेगा, जो हमारा कंडेंसेशन हो वो ज्यादा ना होने पाए, तो क्या है कि अगर हम डेंसिट मटेरियल यूज नहीं करेंगे, वियर एंड टियर बढ़ जाएगा डक्ट में, इवन वियर हो गया तो पता नहीं चलेगा जल्दी, तो उसका प्रॉपर तरीके से हार्ड फिक्सिंग किया जाता है डेंसिट सेरेमिक मोटार के द्वारा में आउटलेट डक्ट में। जैसे हम बॉटम में आते हैं, क्लासीफायर आता है, तो क्लासीफायर का जो आउटलेट जितने भी केसिंग है वो केसिंग में कार्बाइड प्लेट, वो डिपेंड करता है कि कितने साइज का मिल है, जो कार्बाइड प्लेट है वो 6+4 का भी यूज होता है, 10+6 का भी यूज होता है आउटलेट वाला, जो स्टैटिक गाइडवेंस है उस पे भी हार्ड पेसिंग का एक लेयर रहता है करीब 3-4 mm तक का, जो हार्डनेस होता है उसका 60-63 HRC तक का हार्डनेस रहता है स्टैटिक गाइडवेंस। एक होता है डायनेमिक गाइडवेंस, जो रोटर मूव कर रहा है तो उसमें भी देखेंगे आप वर्टिकल कंडीशन में गाइडवेंस लगे रहते हैं, तो उसका जो वर्किंग सरफेस है जहां पर वियर एंड टियर होता है, तो उसका भी
दो से तीन चार एमएम तक का हार्ड फेसिंग किया रहता है 60 से 63 एचआरसी हार्डनेस के साथ में, वो भी हार्ड प्लेट का रहता है। जो ग्रिट कोन है, ग्रिट कोन है सेपरेटर के बॉटम में ग्रिट कोन है, तो वर्किंग सरफेस पे कहीं कहीं मैं देखा हूं सेरेमिक लाइनर भी लगे रहते हैं। सेरेमिक लाइनर नहीं लगा हुआ है तो वहां पर क्रोमियम कार्बाइड का प्लेट लगा हुआ है 6+4, 10+6, वो डिपेंड करता है कि उसका साइज क्या है, वो किस कितना कैपेसिटी का मटेरियल और कौन सा मटेरियल, लाइमस्टोन है कि क्लिंकर, क्लिंकर है तो वो 10+6 का यूज होगा, लाइमस्टोन है थोड़ा सा कम बियर है तो वहां पर 6+4 का भी यूज हो जाता है। तो जैसे ही जितना थिकनेस का हार्ड क्रोमियम कार्बाइड का एक एमएस पार्ट रहता है और उसके ऊपर में हार्ड प्लेट का कंपोजिट प्लेट का बना हुआ प्लेट रहता है तो वो यूज होता है। जो सूट है वो भी इनसाइड में सेरेमिक लाइनर भी यूज होते हैं प्लस कार्बाइड प्लेट का बना रहता है। तो ये था मोटा मोटा कि क्लासिफायर के इनसाइड का जितने भी पार्ट हैं। क्लासिफायर का जो शाफ्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो शाफ्ट है, ब्लेड तो घूम रहा है लेकिन शाफ्ट एयर के थ्रू ट्रेवल करके जाएगा तो वो भी कटने का चांस रहता है, तो उसका भी प्रॉपर तरीके से हार्ड फेसिंग किया जाता है। लाइमस्टोन है तो क्रोमियम कार्बाइड का प्लेट का यूज हो गया, 6+4 का राउंड में उसका रोल करके लाइनर प्लेट लगा दिया जाता है। और लोसे का मिल में देखा हूं तो वहां पर सेरेमिक लाइनर भी लगा दिया जाता है, उससे भी वेयर एंड टियर बहुत ही कम होता है। तो ये वेयर एंड टियर क्लासिफायर के केस में यूज हुआ। वही जो रोलर है और टेबल है, जो रोलर है उसमें सेगमेंटेड लाइनर भी लगे रहते हैं प्लस फिक्स लाइनर भी लगे रहते हैं। जो फाइफर का आप देखेंगे, कभी कभी मैं देखा हूं कि जो रोलर है वो थ्रू आउट एक ही पीस में कास्टिंग होके आता है, तो वो जो कास्टिंग होता है वो यूज होता है कि वो उसकी किस मटेरियल का है, नाइहार्ड का है, नाइहार्ड 4 सबसे ज्यादा यूज होता है, या हाइक्रोम का है तो नाइहार्ड का भी यूज होता है, हाइक्रोम का भी यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आज के डेट में अगर यूज हो रहा है वो सेंटर कास्ट लाइनर का यूज सबसे ज्यादा हो रहा है। उस केस में क्या है कि जो वेयर एंड टियर है सेंटर कास्ट में वो सबसे कम रहता है, और कंपैरिजन हम करते हैं नाइहार्ड और हाइक्रोम के मुकाबले में, तो सेगमेंटेड जितने भी लाइनर है वो सेगमेंटेड टाइप का रहेगा, तो वहां पर क्या है कि हम सेंटर कास्ट का यूज कर सकते हैं रोलर और टेबल में। अगर वही हम लाइमस्टोन एप्लीकेशन के यूज लिए यूज करते हैं तो वहां पर वेयर एंड टियर जो लाइफ है रोलर का लाइमस्टोन एप्लीकेशन के लिए वो करीब करीब 40,000 आवर तक भी दे देता है, मतलब 20,000 आवर रिकमेंडेड रहता है, हम गारंटी दे देंगे अगर सेंटर कास्ट लाइनर आप यूज कर रहे हैं तो करीब 20,000 आवर इसका गारंटी लाइफ है। वही कभी कभी मैं देखा हूं कि 36,000 तक का लाइफ मिला हुआ है। वही अगर हम कोल एप्लीकेशन के लिए जाते हैं, जो रोलर और टेबल में कोल एप्लीकेशन का सेंटर कास्ट का लाइनर लगा हुआ है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 7,000 आवर से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे ज्यादा कोल एप्लीकेशन के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर बियर एंड टियर लाइमस्टोन के मुकाबले 4 times ज्यादा होगा। तो कोल एप्लीकेशन के लिए भी जो टेबल है, जो रोलर है, वो सेंटर कास्ट का सबसे ज्यादा बनाया जाता है। वो डिपेंड करता है कि मिल किसका है, मान लीजिए फाइफर का मिल है तो वहां पर हाइक्रोम का भी लाइनर लगे रहते हैं, नाइहार्ड 4 का भी लाइनर के द्वारा वन पीस में टेबल और वन पीस में ही रोलर भी लगे रहते हैं। टेबल भी सेगमेंटेड होता है, हाइक्रोम देखा गया है कि जो हाइक्रोम है उसमें भी अगर कुछ वियर एंड टियर हो गया, लॉकिंग प्लेट डैमेज हो गया तो उसका आप करेक्शन करके कर सकते हैं। सेंटर कास्ट का भी जो टेबल है सेगमेंटेड टाइप का रहता है, टेबल भी और रोलर भी। तो ये था मटेरियल हमारा रोलर और टेबल का। इंटरव्यू में पूछा जाता है रोलर का डाया क्या है, विड्थ क्या है, टेबल का डाया कितना है, और सबसे ज्यादा जो टेबल का जो डाया होता है वो सप्लायर का जो नाम होता है कि LM 46.6+2+2 जो भी है, तो उसमें क्या है कि वो ही बता देगा टेबल का डाया कितना है। एटॉक्स 37.5 क्या बताता है, 37.5 तो मतलब 3750 उसका टेबल का डाया है, तो ये आपको आना चाहिए। तो ये भी पूछा जाता है, आप अगर प्रोसेस से हैं तो पूछा जाता है नोजल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, चाहिए लाइमस्टोन और कोल एप्लीकेशन के लिए, तो करीब करीब 50 meters per second तक रखा जाता है, 50 से 60 meters per second का नोजल वेलोसिटी होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कितना डिफरेंशियल प्रेशर होता है, आप खुद प्रोसेस से हैं उसकी जानकारी आप प्रॉपर तरीके से रखिए। इनलेट टेम्परेचर कितना होता है, अगर मान लीजिए लाइमस्टोन है आउटलेट का टेम्परेचर कितना होता है,
मिल आउटलेट टेम्परेचर 90 के करीब रहता है, कोल एप्लीकेशन है वही 65 के करीब रहता है, तो ये सब टेम्परेचर आपको आना चाहिए। इनलेट टेम्परेचर है लाइम स्टोर का, मान लीजिए वो 200 डिग्री सेल्सियस है, कहीं कहीं 350 भी रहता है, तो 350 रहेगा तो सिंपल सी बात है कि वहां पर वाटर का कंजम्पशन ज्यादा रहेगा। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं जो केसिंग है वर्टिकल रोलर मिल का, इनसाइड केसिंग। इनसाइड केसिंग भी वो डिपेंड करता है कि मिल साइज क्या है, वो भी क्रोमियम कार्बाइड के प्लेट से बना रहता है, कंपोजिट प्लेट का 10+6, 6+4, 8+6 वो डिपेंड करता है, वो बोल्टिंग लाइनर के द्वारा ही बोल्टिंग किया रहता है। अगर वेयर एंड टियर ज्यादा हो गया है उसको आप आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। जो रोलर है वो कहीं कहीं मैं देखा हूं जो उसका पुल रॉड है उसका भी प्रॉपर तरीके से कार्बाइड प्लेट का ही पीस बना के बोल्टिंग कर दिया जाता है। रोलर बैक साइड में भी क्रोमियम कार्बाइड के प्लेट का ही 6+4, 8+4 के प्लेट का ही वेंड करके बना के फिक्स कर दिया जाता है, जिससे वियर एंड टियर ना होने पाए। जस्ट रोलर के ऊपर में मैं देखा हूं कि जो नोजल वेलोसिटी है, जो नोजल के थ्रू एयर आता है, तो जस्ट रोलर है तो रोलर के बॉटम में एक प्लेट लगा दिया जाता है कि सीधा कोल या लाइमस्टोन वो सीधा साफ्ट पे ना आए रोलर के, तो वहां पर वियर एंड टियर ज्यादा हो जाता है, उस एरिया को कवर कर देते हैं। तीन साइड में तीन रोलर है तो तीनों साइड में करीब करीब 700 इधर 700 इधर 700 इधर, तो तीनों रोलर के जस्ट बॉटम में कवर कर देंगे कि जो नोजल के थ्रू एयर आ रहा है उसके द्वारा मटेरियल को उड़ा के अगर रोलर के साफ्ट पे आएगा, वियर एंड टियर उसका ना होने पाए, तो उस प्लेट को गैप को ही बंद कर देते हैं। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। जो नोजल है वो भी हार्ड प्लेट का ही बना रहता है। आर्मर रिंग भी कार्बाइड प्लेट का ही रहता है, 6+4 है या 10+6 भी है, तो एप्लीकेशन क्या क्या है, तो इन सभी का डिटेल अगर आप रॉ मिल की जानकारी रखते हैं, आप रॉ मिल में इंचार्ज है, मेंटेनेंस इंजीनियर है, तो उस रॉ मिल का पर्टिकुलर परफेक्ट जानकारी होना चाहिए, कौन सा लाइनर लगा हुआ है, क्या क्या उसका थिकनेस है, क्रोमियम कार्बाइड का थिकनेस क्या है, उसका हार्डनेस क्या है, तीन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो स्क्रैपर रिंग है, स्क्रैपर रिंग क्या होता है कि जो टेबल है, टेबल का जो कोन पोर्शन है बॉटम में ही, जितने भी अगर वो कुछ, कभी कभी क्या होता है कि जो बड़े बड़े पार्टिकल है वो नोजल के ही थोड़ा बॉटम में गिर जाता है, तो करीब ज्यादा ज्यादा 1% तक का मटेरियल गिरता है स्क्रैपर सिस्टम में, तो वहां पर जो स्क्रैपर लगा रहता है उसका भी जो वर्किंग सरफेस है उसका भी हार्ड फेसिंग कर दिया जाता है, क्रोमियम कार्बाइड का प्लेट का बोल्टिंग कर दिया गया है, या हार्ड मटेरियल का प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग कर दिया जाए, हार्ड वेल्डिंग कर दिया जाता है, तो वो भी रहता है। तो नोजल के थ्रू अगर जो भी मटेरियल गिरता है स्क्रैपर चैम्बर में, तो स्क्रैपर जो जितने भी लगे हैं वो अटैच रहता है टेबल से, बोल्टिंग टाइप का अटैच रहेगा, तो उसका भी सरफेस का प्रॉपर तरीके से हार्डिंग फेसिंग रहता है, हार्ड फेसिंग रहता है। तो वो कौन सा हार्ड फेसिंग रॉड यूज हुआ है, जो आपने यूज किया है उसकी जानकारी आप रखिए। आप यूज किए 3000D का, तो 3000D आप बोलिए हमने 3000D का यूज किया है हार्ड फेसिंग रॉड के लिए, हमने जिगजैग बनाया, बीच में डॉटेड बनाया, इस टाइप का जिगजैग टाइप का हार्ड फेसिंग किया जाता है। पूछा जाता है कि लाइमस्टोन एप्लीकेशन उसका वियर रेट क्या है, लाइमस्टोन का आप खुद निकालिए वियर रेट। वियर रेट निकालने का प्रोसेस के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन क्या वियर रेट होता है वो आप खुद निकालिए। कोल एप्लीकेशन के लिए क्या वियर रेट है आप खुद निकालिए, रोलर का, टेबल का, उसका प्रोसेस बताएंगे, लेकिन क्या वैल्यू है वो आपको आना चाहिए। ये था प्रैक्टिकल नॉलेज, आपको आना चाहिए, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारा मोटिवेशन होता है वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।